रीवा संभाग भर से आई महिला बाल विकास का संयुक्त मोर्चा संघ ने कमिश्नर कार्यालय का किया घेराव। 3000 महिलाओं ने घेरा कमिश्नर कार्यालय, जमकर की नारेबाजी। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा की महिला बाल विकास की महिलाएं विगत 15 मार्च 2023 से पूरे मध्य प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ, पर्यवेक्षक संघ, परियोजना अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि बीते 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा के दौरान जिले में कम प्रगति होने पर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस विषय से 15 मार्च 2023 इनके द्वारा सामूहिक हड़ताल की जा रही है। इन महिलाओं की मांग है कि बिना सूचना दिए किसी के विरुद्ध कार्रवाई न की जाए, जिसको लेकर आज 3000 महिलाओं ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया है तथा उन्होंने अपने वेतन मान सहित विभिन्न 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। घेराव किया गया संयुक्त मोर्चा महिला बाल विकास विभाग, जिसमें परियोजना अधिकारी संघ, पर्यवेक्षक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ शामिल हैं। हमारी कई सालों से लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर के 15 मार्च से हम लोग विधिवत सूचना दे करके और सामूहिक अवकाश पर हैं। और हमारी आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, जिसमें ग्रेड पे वेतन विसंगति, पर्यवेक्षक जो संविदा में है उनका नियमितीकरण, कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का जो एक न्यूनतम निर्धारित वेतनमान है वो उनको दिया जाए, और हमारी जायज़ मांगे हैं। हम लोग इसके लिए 15 मार्च से अनवरत सामूहिक अवकाश पर हैं। इस समय एक स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि हमारे जो परियोजना अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, कार्यकर्ता सहायिका हैं, इनको अनावश्यक नोटिस दे करके और सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। आप चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग शासकीय जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको सफल संचालन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम लोगों की मांगें मानी जाए। पदोन्नति, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज महिला बाल विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान रीवा संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव भी किया गया। इसके पश्चात महिला बाल विकास संयुक्त मोर्चा रीवा के द्वारा विधायक राजेंद्र शुक्ल के निवास का भी घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि महिला बाल विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है। आज पहले कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया गया और ज्ञापन देने के बाद सीधे अमैया स्थित पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के निवास पर पहुंचे, जहां रीवा विधायक से मुलाकात कर ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इनकी मुख्य मांगों में पदोन्नति, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि शामिल है। वहीं अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर भी चली गई है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है कि कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और न्यूनतम वेतन 36,000 दिया जाए। इसके साथ ही जो 1500 रुपये उनके काटे गए हैं उसे भी वापस किया जाए तथा हाल ही में अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का भी विरोध प्रकट किया गया है और सभी को वापस लिए जाने की भी मांग की गई है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रस्तुत है संयुक्त मोर्चा की अध्यक्ष अंजना सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं अंजना सिंह, संयुक्त मोर्चा संघ रीवा की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। हम लोग 15 तारीख से जो कमिश्नर सर को, और जो हम लोग 15 तारीख से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से मुख्यमंत्री जी द्वारा 28 तारीख को बोला गया है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु। इस उनके आदेश के तहत हमारे कम से कम 200-250 बहनें और साथी निलंबित हो चुकी हैं। इसी संबंध में आज हम यहाँ पे माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उसको अपनी मांगों के लिए रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें दखलअंदाजी ना की जाए, मनमानी तरह से हमारे साथियों को निलंबित ना किया जाए। कमिश्नर साहब पहले हमारे पक्ष को सुने और सुनने के पश्चात ही कार्रवाई करें, इसी निवेदन के लिए हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आई थी, क्या ज्ञापन में मांगे रखी गई और कैसे अपील कर रहे? उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाने के लिए, जिसमें अपने मानदेय को लेके उसको बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं, तो ये बातें ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे। लगातार इन लोग की मांगे जा रही है पिछले कई समय से, उसके बाद आश्वासन अभी शासन स्तर पर क्या प्रगति है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो उनकी समस्या से संबंधित ज्ञापन है उसको लेकर जब चर्चा करेंगे तभी कुछ कहने की स्थिति में आ पाएंगे।